त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जोरों पर है और इसी तरह दीपालपुर के चिमनखेड़ी गांव में जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए सोदराबाई पति कल्याण सिंह का जनसंपर्क भी देखने को मिला, जहां सोदराबाई के पति कल्याण सिंह अपनी पत्नी के प्रतिनिधि के तौर पर चिमनखेड़ी गांव के लोगों से जनसंपर्क कर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इनसे एमपी न्यूज के संवाददाता यतनेश सेन ने खास बातचीत की। चुनाव को लेकर हलचलें तेज है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां बढ़ गई है और उसी के चलते जगह जगह प्रचार प्रसार भी देखने को मिल रहा है और गांव की सरकार कार्यक्रम के चलते हम भी कवरेज के दौरान पहुंचे हैं गांव चिमनखेड़ी में, जहां अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना प्रचार करने में जुटे हैं। वहीं चिमनखेड़ी गाँव में भी एक कैंडिडेट प्रतिनिधि के तौर पर, एक महिला जो चुनाव लड़ रही है उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस क्षेत्र के लिए जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन चुनाव लड़ रहा है, आप किस तरह से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरी पत्नी सोदराबाई कल्याण सिंह तंवर वार्ड नंबर 11 से जनपद का चुनाव लड़ रही है, मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूँ, मेरी पत्नी महिलाओं के साथ प्रचार कर रही है, हम दोनों मिलकर चौपाल से भोपाल तक इस वार्ड नंबर 11 को ले जाने का प्रयास करेंगे, जो भी होगा अच्छा से अच्छा विकास करने की सोचेंगे और मैं अपनी पत्नी के साथ जो भी होगा कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दूंगा। हमारे गांव चिमनखेड़ी के जो मतदाता है ये हमारे साथ में है और रस्टिजन भी हमारे साथ में है, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे समय दिया और मेरी पत्नी भी इनकी गाँव की महिलाओं के साथ। ऐसी क्या सौगात देने की आपने सोची है, क्यों चुनाव में आपको लोग चुने और क्यों जिताए? मेरा पिछले 8 साल का अनुभव मैंने मेरी पंचायत दिया है, उसी अनुभव के अनुसार मेरी पत्नी को मैंने इस मैदान में उतारा है, चुनावी मैदान में मैं उनका साथ दूंगा और जनता मेरा साथ देगी, मेरा पिछला अनुभव देखेंगे लोग। ऐसे किन चीज़ों की कमी देखते हैं आप क्षेत्र में, जिसे आप करने की कोशिश करेंगे, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे? यहाँ हमारा जो एरिया है पिछले कई कुछ वर्षों से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ठीक नहीं मिले थे, मैं इनको जैसे रोड है, गंदी नालियाँ हैं, कीचड़ है, साफ सफाई है, बहुत सारा ऐसा विकास करने की सोच रहा हूँ। मैंने मेरा स्कूल पिछले पंचायत में सीएम राइज स्कूल लाया हूँ, मैं भी सोचता हूँ हर गांव में शिक्षा स्वस्थ और पानी की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, मैं इस ऐसा विचार करके इस मैदान में उतारा। किस तरह देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क चल रहा है, किस तरह देखते हैं? ये कांग्रेस का वार्ड है, इस कांग्रेस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतदान तो बिल्कुल सभी पार्टी, हमें कोई बीजेपी को समर्थन करता है, कोई कांग्रेस को समर्थन करता है, कैसे देखते हैं आप युवा, किस तरह देखता है? देखिए अनुभवी नेता है कल्याण सिंह जी, इनका अच्छा एक राजनीतिक अनुभव है, उसका फायदा निश्चित ही हमारे वार्ड को मिलेगा, इसलिए हम भरोसा है कि वार्ड 11 विकास करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी सभी मैदान में उतर चुके हैं, कोई अपनी पत्नी के लिए चुनाव जिताने की कवायदों में लगा है, तो कोई अपनी बहन के लिए, कोई बेटी के लिए, तो लगातार इस तरह से जनसंपर्क का दौर जारी है। अपने सैन एमपी